बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की। 16 तारीख को पाकिस्तान दो रोज़ा दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं। अहमियत का हामिल यह दौरा, पाकिस्तान की बहुत बेशुमार तवक्कुआत हैं इस दौरे से वाबस्ता कि पाकिस्तान की मईशत को एक संभाला मिल सकता है इस दौरे की वजह से। इस दौरे से पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत हैं, माजी में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात किस कदर अहम रहे हैं और अब का दौरा क्यों अहमियत इख्तियार कर चुका है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। फिर इस दौरे से पहले शामी साहब, जनरल राहिल शरीफ साहब सबका जो इस वक्त फौजी इस्लामी इत्तेहाद के सरबरा हैं वो पहले आए हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की, वज़ीर ख़ारिजा से भी और वज़ीर आज़म से भी, तो वो क्या पैगाम लेकर आए हैं, कौमी क़यादत से मिल रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर जो कल वज़ीर तला जनाब फवाद चौहरी साहब का एक ट्वीट आया, क्योंकि आपको याद होगा दुबई में जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की लबनानी वज़ीर आज़म साद अल हरीरी से, तो उस मुलाकात के हवाले से उन्होंने ये फरमाया कि ये साद अल हरीरी साहब ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि शरीफ ख़ानदान को माफ़ी दिलवाना बहुत बड़ी गलती थी, उन्होंने एक कमिटमेंट भी पूरी नहीं की और मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई है। तो ये जो NRO डील या ढील की बातें और फिर साद अल हरीरी से मुलाकात है, ये सब है क्या? NRO किसने मांगा, किससे मांगा? और वज़ीर आज़म तो बार बार इसकी नफ़ी कर रहे हैं अपनी तकारीर में, कैसी कोई बात नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब से फिर इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुर्गी चोर एक मुलजिम की, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, और साथ पाक पतन में कबूतर चोर के साथ क्या वाकया पेश आया, ये सब आज ही के प्रोग्राम में। सबसे पहले शामी साहब, जनाब साद अल हरीरी साहब ने मुलाकात की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, ये फरमाइएगा, आप तो उस दौर को आपने करीब से देखा हुआ है, ये कमिटमेंट हुई क्या थी, उस NRO में था क्या? और जो मकरन बिन अब्दुल अज़ीज़ भी आए थे पाकिस्तान, साद अल हरीरी भी थे, उन्होंने एक माहिदा भी दिखाया था मीडिया को, वो कमिटमेंट्स थी क्या जिसका आज जिक्र हो रहा है? देखिए, पहले तो आप ये देखें कि हालात उस वक्त क्या थे। सही, यानी नवाज शरीफ साहब जो थे उनकी दो तहाई अक्सरियत थी कौमी असम्बली में, और मेखर सेनेट में भी उनको अक्सरियत हासिल थी, और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म थे। 1997 में उन्होंने इंतखाब लड़ा था, और उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको उनके ओहदे से अलग करने का फैसला किया। और जब वो श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो उस वक्त ये हुक्म जारी हुआ, जब उनका तैयारा फिजा में था, और उनकी जगह जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए। अब और उनको जो स्टार हैं वो भी नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने हाथों से लगाए, मगर तस्वीर भी उसको है रिलीज हुई, टीवी पे एक फुटेज भी मुख्तसर दौराने की चली थी। तो अब परवेज मुशर्रफ साहब ने और उनके हामी जर्नैलों ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार किया और बगावत कर दी, और इस और ये परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस तरीके से निकाला गया जैसे कुछ चपरासी को भी नहीं निकालता, सही है, यानी कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया गया। तो मेरा सवाल उनसे ये होता था और होता है कि क्या वज़ीर आज़म को इस तरीके से निकाला जा सकता है शोकाज दिए बगैर? यानी वज़ीर आज़म के पास तो एक कानूनी इख्तियार था, वो उसने इस्तेमाल किया, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह जरूरत कैसे हुई कि वज़ीर आज़म को उस तरीके से निकाल दें, चपरासी से भी बदतर तरीके से, गोया उसको गिरफ्तार कर ले, उसको हवाला जिंदा कर दे, उसको काल कोठरी में बंद कर दे, और फिर उसके बाद मुकदमा चले, वो तो अलग बात है, ठीक है, फिर वो अटक तो चले गए। अब आप मुझे ये बताइए कि जब वो इस मामले को चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में तो वो चीफ जस्टिस को नज़रबंद कर दे अपने घर में, और जजों को मजबूर करे कि वो उसका हलफ उठाएं, और जो जज सुप्रीम कोर्ट के इनकार करें उनको उनके ओहदे से अलग कर दें, और एक नई सुप्रीम कोर्ट जो है वजूद में आए। तो जब मुल्क में ऐसे हालात हों तो वो जो NRO तो जारी कर दिया उस नई सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो परवेज मुशर्रफ को कि उनको जनाब लेजिटिमेट कर दिया और कहा, जो उनकी अपनी बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट थी
उसने उनको कहा कि आपका जो मौकफ था यानी आपका जो इकदाम था वो जायज़ था नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक। तो इस पस मंज़र में आप ये बात करें कि जी नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे, उनको कोई NRO मिल गया था, ये एक लाजानी बात है। और ये जिस दिन नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई, जो स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी थी उनको, उस दिन मैं यहाँ ये जो इंस्टीट्यूट, प्रेस इंस्टीट्यूट, हमीद नज़ामी प्रेस इंस्टीट्यूट है, उसमें एक तकरीब थी, वहाँ तकरीर कर रहा था। और उसमें मजीद नज़ामी साहब मरहूम भी मौजूद थे, और आज के हमारे जो शफकत महमूद साहब है वज़ीर तालीम, उस वक्त वो वज़ीर इत्तला'आत थे सूबा पंजाब में, परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में, यहाँ शायद गवर्नर उस वक्त जनरल सफदर थे, उस वक्त उनके वज़ीर इत्तला'आत थे। तो वो भी तकरीर, वो भी वहाँ मौजूद थे, मेहमान खसूसी थे। तो जब मैं तकरीर करने लगा तो मुझसे वही सवाल था कि जो सज़ा मिली नवाज शरीफ साहब को, उसको क्या जस्टिफाई करते, क्या तबसरा है आपका? तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि ये सज़ा ऐसी है कि एक रेपिस्ट जो है ना, वो एक आदमी को रहा है किस ले पर? अच्छा, यानी जिसने दस्तूर को तयबाला कर दिया, उसकी अदालत सज़ा दे रही है वज़ीर आज़म को कि उसने जनाब अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नौकरी से अलग किया था। तयारा साजिश केस, तयारा साजिश केस। तो इसकी जो इससे बेहतर मिसाल ना उस वक्त मेरे पास थी ना आज मेरे पास है। चले, अब उसके बैकग्राउंड तो आ गया ना, अब अगला अब कि वो अब नवाज शरीफ साहब जो थे, देखिए उसमें बहुत किस्से कहानियां हैं। सऊदी अरब जब यहाँ एक हंगामा बरपा हुआ और हुकूमत स्टेबलाइज नहीं हो पा रही थी, अब उसमें सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हुआ, इसमें कई लोग कहते हैं कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी था, उसमें हरेरी साहब भी इन्वॉल्व हुए, और इस तरीके से वो परवेज मुशर्रफ के दरमियान और शरीफ फैमिली के दरमियान एक डील हुई जिसमें उनको वो यहाँ से चले गए सऊदी अरब 10 साल के लिए, ये बताया गया 10 साल के लिए वो चले गए। अच्छा आप सुनिए लतीफ़ा, अब हमारा एक एडिटर्स मीटिंग थी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ, तो वहाँ यही सवाल तेरे पैसा है कि ये इसमें क्या लिखा है? नहीं, हाँ। लिखा नहीं, ये हुआ क्या है, हुआ क्या है, क्यों हुआ? उन्होंने क्या कहा? परवेज मुशर्रफ ने कहा सऊदी अरब जो था वो एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान को तेल जो था मुफ्त दे रहा था। ठीक बात है। और वो जो वो और पर थे कि वो सऊदी अरब के पास ये एक उस वक्त मामला था, हमारा हमारी एक कमजोरी थी। दूसरा ये हुआ कि बेगम कल्सूम नवाज जो है वो मुस्लिम लीग की लीडर बन के सामने आ गई, नवाज शरीफ साहब तो चले गए और उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने अपोजिशन से रबते शुरू किए, और वो जब निकली अपने घर से तो उनको गाड़ी में बैठी हुई थी जावेद हाजमी साहब उनके साथ, ठीक है, वो तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये फवाद जो सब आ गए, अभी सुनते हैं, अब खत्म कर ले इसको। तो वो जो तस्वीर थी वो जब आई उसने एक तहलका मचा दिया। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने जो वजह बयान की नवाज शरीफ साहब के जाने की, एक तो ये थी कि वो तेल की फैसिलिटी, और दूसरा ये जो कि जो बेगम कल्सूम नवाज दबाव बढ़ाए हुए थी, हाँ, और हुकूमत डिस्टेबलाइज हो रही थी उससे निमटने, तो उन्होंने कहा कि उससे जान छुड़ाने के लिए, हाँ, उन्होंने इससे जान छुड़ा ली। अब अस्सलाम वालेकुम जनाब फवाद चौधरी, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया, वज़ीर इत्तला'आत पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर आपका ट्वीट है वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई साद अल हरेरी साहब से, तो आपने कहा उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा कि शरीफ खानदान को मुआफ़ी दिलवाना बहुत बड़ी गलती थी, क्या उस मुलाकात को बातचीत हुई इस हवाले से चौधरी साहब, फिर तफसीला से तो आगाह करें, बड़ा दिलचस्प पहलू है जो आपने उठाया। देखिए बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब का आपको पता है कि वो बड़े फ्रैंक बात करने के आदी हैं,
तो वो जब बैठे लिबनान के प्राइम मिनिस्टर, तो पहले ही जो है वो मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा सर ये अभी अखबार में आ जाएगा कि सादर हरेरी साहब मुलाकात हुई है और एनआरओ भी डिस्कस हुआ होगा। तो पीएम साहब ने बैठते ही कहा कि ये अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान में बड़ा चल रहा है एनआरओ का मामला, तो आपसे मीटिंग होगी तो फिर मीडिया लगा देगा कि बहुत ज्यादा जो है वो ये बातें हुई हैं। तो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की से बाज आया और बड़ा, हम तो नवाज शरीफ को पिछली दफा भी जब हमने किया था तो उसके बाद जो जो उनसे कमिटमेंट हुई उन्होंने कोई भी पूरी नहीं की और हमें बड़ी जो है वो बाद में सुबकी का सामना करना पड़ा। और यही बातें तकरीबन जो सऊदी अरेबिया की भी जो अलीट आई वुड से के जो वहाँ पे रूलिंग क्लास थी उनकी तरफ से भी यही बातें थी कि बड़ा उन्होंने जो है वो लेट डाउन किया नवाज शरीफ ने, कि जिस तरीके से उनके साथ कमिटमेंट हुई और बाद में उन्होंने कोई कमिटमेंट पूरी नहीं। साहब आप ये फरमा रहे हैं कि बशमूल सऊदी अरब या लबनानी वज़ीर आज़म जो दोस्त ममालिक हैं जिन जिन से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई वो इस बारे में कतई तौर पर कोई पुश नहीं आपको कर रहे या आपसे कोई फरमाइश या सिफारिश नहीं कर रहे फिलहाल? उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही उनको, ना ही है, ना ही। तो फिर ये फरमाएं, फिर ये फरमाएं कि ये एनआरओ की फिर बात कैसे जन्म लेती है? क्या वाकई हुकूमत को अप्रोच किया गया कि हमें एनआरओ चाहिए अपोजिशन की जानिब से? देखिए ओवरऑल सारी पॉलिटिक्स ही अपोजिशन की और क्या है, सवाई एनआरओ की। और इनकी इस वक्त तो अपोजिशन में इस वक्त जितने लोग बैठे हुए हैं उनका क्या मतलब, मुझे असेंबलियों की रिकॉर्ड निकलवा लें और मुझे बताएं कि एक दफा भी अपोजिशन ने कभी वहां पे किसी मसले पे बात की हो, कोई कहा हो कि आपने गैस की कीमत बढ़ाई है क्यों बढ़ाई है, आपने बिजली की बढ़ाई है क्यों बढ़ाई है, पाकिस्तान के लोगों के मसले हैं उन पे बात हो रही है। वो तो सिर्फ आते हैं लगता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठे हुए नैब के, हर आदमी आता है अपने अपना केस के सुनाता है, अपना अपना रोना रोता है और चला जाता है। और इनकी पूरी पॉलिटिक्स ही एनआरओ पे बेस है सर। मगर चौधरी साहब ये बताइए आप एनआरओ देने की कोई सलाहियत आपके अंदर है, कोई इख्तियार है? हमारे अंदर है? हमारे ही अंदर सलाहियत है। मसलन कैसे जो है? आप जो अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं उनको वापस ले लेंगे क्या? अच्छा मेरी बात से शामिल साहब, ये जो मुकदमे ये अदालतों में चल क्यों रहे हैं सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अगर हम कैंपेन ना करता, अगर इमरान खान खड़ा ना होता और पैनामा के बाद एक साल की तहरीक ना चलाता तो आपके ख्याल में ये मुकदमे अदालतों में जाते? ये तो खत्म हो गए थे। जब तक पॉलिटिकल, जब तक एक सियासी उसकी बैकिंग ना हो, बड़े इतने बड़े लोगों के खिलाफ आपका ख्याल लोग खड़े होते हैं? आज हम पीछे हट जाए, आज हम अपना बैठ जाए यहाँ पे, और जिस तरह से कई हमारे अपने दोस्त भी कहते हैं कि जी बस अदालतों पे छोड़ दें, ये कर दें, आप कोई बात ना क्या करें, आप लोगों का पब्लिक प्रेशर होते हैं तब जाकर के चीजें होती हैं, वरना यहाँ पे जो है वो प्रेशर में काम करती हैं। अदालतें नहीं, पूरा निजाम प्रेशर में काम करता है। प्रोसिक्यूशन हो गई, आपकी तफ्तीशकार हो गए, जब तक लोगों का दबाव नहीं होगा, लोगों को करप्शन की परवाह नहीं होगी, कोई निजाम काम नहीं करेगा। पिछले साल में जो आपके साथ नहीं, जो आपके साथ डील हो सकती है या जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप जब इस मसले में खामोश हो जाएं तो ये डील हो जाएगी, 100% हो जाएगी। आप मुझे बताइए 30 साल इमरान खान से पहले टू बी फेयर वेल करप्शन तो कोई इश्यू नहीं था पाकिस्तान, कोई बात ही नहीं करता था। ये तो सिर्फ इमरान खान की जात है और सिर्फ बाद में पीटीआई की पॉलिटिक्स है जिसने करप्शन को एक इशू के तौर पर पाकिस्तान में जिंदा किया, वरना तो मसला ही नहीं है। मगर चौधरी साहब जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं मुल्क में उनमें करप्शन ही को बुनियाद बनाया गया कि करप्शन की वजह से मार्शल लॉ लगा रहे हैं। नहीं लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में मार्शल लॉ बात नहीं करते, या जो फौजी हुक्मरान बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात जो है वो उस तरह से सोसाइटी के नीचे तबके से नहीं आती। पीटीआई तो एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल उसकी जो दबाव है वो पहली बार पाकिस्तान में इमरान खान की शक्ल में सामने आया। तो आप ये बताइए कि अगर आप एहतजाज भी करते रहे, आप दबाव भी डालते रहे, आप गुफ्तगू भी करते रहे और इसके बावजूद अदालतों से रिलीफ मिल जाए, कहीं मुकदमे में रहाई हो जाए, कहीं जमानत हो जाए, तो फिर उसे क्या समझा जाएगा? देखिए वो तो फिर अदालत है, हम उसको तो नहीं, अदालतों में एक आईन है, निजाम है, अदालतों का जो निजाम होगा वो तो अदालतों का अपना जहर, अदालतों में प्रेशर का मतलब ये तो नहीं है ना कि जज साहब से कहना है कि लाजमन सजा ही दें या लाजमन इनको बेल ही दें। ये तो नवाज शरीफ साहब के दौर में होता था, जब शहबाज शरीफ साहब फोन करते थे मलिक कयूम साहब को कि फलाने को इतनी सजा देनी है, फलाने को इतनी देनी है। अब अदालतें तो ऐसे नहीं करती, अब तो आजाद हो गई ना अदालतें, ना मलिक कयूम साहब रहे ना कोई इस तरह के जज रहे। ठीक, अच्छा चौधरी साहब इससे हट के
پی ایس سی کا معاملہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا مختصر، یہ فرمائیں کہ آپ نے بھی کہا کہ علیم خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کہ اب شہباشی صاحب کو اخلاقی طور پر پی ایس سی کی سربراہی سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کل ہم نے پروگرام میں ذکر کیا کہ ایاز صادق صاحب خود اپنے دور میں ایک آرڈر پاس کر گئے تھے کہ اگر کمیٹی کی میجورٹی ریزولوشن لے آئے تو چیئرمین کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ کیا گورنمنٹ نے پرنسپلی یہ اتفاق کر لیا ہے شہباشی صاحب کو چیئرمین پی ایس سی سے ہٹانے کا؟ اس پہ ایک آدھ دن میں اپنے فیصلہ کریں گے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ شہباز شریف صاحب کو خود ہی ہٹ جانا چاہیے، ہم چاہتے ہیں یہ جو ہے وہ خود ہٹ جائیں تو بہتر ہوگا۔ اب دیکھیں بڑا عجیب و غریب تماشا بنا ہوا ہے، سارا جس جس پہ نیب کا کیس ہے وہ پلانی پلانی کمیٹی میں آ گیا ہے، وہ وہاں پہ پروڈکشن آرڈر لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ نہ اس کے باوجود ملا ہوا تھا جی، وہی تو شہباز شریف صاحب کو پروڈکشن آرڈر پہلے ملا ہے، چیئرمین بعد میں ملی ہے سر۔ وہ تو دیکھیں نا، اسمبلی میں پروڈکشن کا ہے، اب وہ جو کمیٹی ہے اس کی پروڈکشن آرڈر اپنے خود ہی کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے اپنا وہ کہتے ہیں کہ باقی جو مجرم ہیں نیب میں ان کو بھی ڈال دے تاکہ ان کو بھی ہم نہ، تو اگر ریمانڈ ہی نہیں ہونا، تفتیش ہی نہیں ہونی تو کیس خاک چلنا ہے۔ لہٰذا یہ تو بنیادی کانسیپٹ ہی کے خلاف ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آ کے انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا معاملہ لے لیا، تو اسلام آباد ایئرپورٹ کا معاملہ تو ساری پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سب اکٹھے تھے، سب نے اکٹھے ان کو جناب وہ پیرا جو ہے اس کو رد کیا ہے۔ نہیں لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو خود تو نہیں نا بیٹھنا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے معاملات کو ہم نہیں دیکھیں گے، پہلے ہی آ کے اپنے معاملے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ نہیں ان کا معاملہ تو نہیں تھا، نہیں یہ تو نہیں انہی کے دور کا معاملہ ہے نا، نہیں ان کے دور کا نہیں تھا، پیپلز پارٹی کے دور کا تھا۔ یہ تو آپ کو پتا پرانا شروع ہوا پروجیکٹ، نہیں پروجیکٹ شروع ہوا صاحب، غصے میں آپ کچھ چیزیں جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں میرا خیال۔ نہیں نہیں جامی صاحب تو بھی منیر صاحب کو آپ پچھلے دور میں، آپ اتنے اچھے وکیل ہیں کہ میں تو بڑا خوش ہوتا تھا آپ کے دلائل سن کے۔ اچھا چوہ صاحب یہ فرمائیں کہ جو چیئرمین پی اے سی کا ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پنجاب میں تو راجہ بشارہ صاحب کے بقول جو معاہدہ ہوا ان کا اپوزیشن کے درمیان، اس پر منون عمل کیا جائے گا، حمزہ شہباز صاحب کو اس کی سربراہی دی جائے گی اور ان کا وفاق میں جو کچھ ہوتا ہوتا رہے، اور یہاں اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو ایک طرف صوبے میں تو آپ ان کو مان رہے ہیں، ان پہ بھی کیسز ہیں، لیکن وفاق میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بدلا جائے ان کے والد صاحب۔ نہیں نہیں بالکل، راجہ بشارت صاحب کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اس طرح تو نہیں ہے نا، جو بھی وفاق سے جو پالیسی ہوگی وہ پنجاب میں امپلیمنٹ کریں گے، انہوں نے کوئی اپنی تو چار انچ کی رہتا مسجد تو نہیں بنانی، وہ تو ان کو وہی پالیسی فالو کرنی ہوگی جو ہم بنائیں گے یہاں پہ وفاق میں، اور پرائم منسٹر پالیسی۔ یعنی حمزہ شہباز صاحب کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں، مگر یہ بتائیں مجھے کہ اس کا مطلب ہے پھر مسلم لیگ کاف میں فارورڈ بلاک کی ضرورت محسوس ہوگی آپ کو؟ نہیں نہیں، مسلم لیگ کاف میں تو فارورڈ بلاک کیا، وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں بظاہر۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب فواد چوہ صاحب، شریک گفتگو تھے اس اہم موضوع پر۔ لے جی، انہوں نے بتا دیا کہ سعد الحریری صاحب سے گفتگو میں کیا بات ہوئی، چیئرمین پی ایس سی کے بارے میں کیا نظریات ہیں، وہ تو گفتگو ہیں، ایک آدھے دن میں فیصلہ لے لیں گے۔ جب بھی کوئی ڈیل ہوتی ہے کسی ایک فریق کے فائدے میں نہیں ہوتی، دونوں کے، پرویز مشرف کا فائدہ یہ تھا کہ ان کو سکون مل گیا، نواز شریف صاحب کا فائدہ یہ تھا کہ انہیں جیل سے نجات مل گئی، اور اب بھی سکون مطلوب ہو؟ نہیں، اب تو دینے کا، آپ کون دے گا؟ وہ کہتے ہیں ہم دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے، انہوں نے کہا ہم خاموش ہو جائیں۔ اب تو یہ معاملہ دیکھیے، آپ کے ہاتھ میں جب بندوق ہوتی ہے، آپ ایک چلا دیتے ہیں جب بندوق، وہ کارتوس واپس نہیں لا سکتے۔ ظاہری بات ہے سر، تو اب یہ تو اس وقت آپ لوگ جو ہیں جتنے بھی دانشور اتنا کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو بھی، اس لیے یہ مارشل لا نہیں ہے ملک میں، کوئی پرویز مشرف نہیں ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں۔ مجھے یہ بتائیں نا کہ اپوزیشن سے زیادہ تو حکومت این آر او ڈیل ڈھیل کی باتیں کر رہی ہے، جب حکومت ایسی باتیں کرے گی ہم تو ایشو اٹھائیں گے۔ حکومت تو اس تاثر کو دے رہی ہے نا، ایک اس کا تو ایک اس کا مال اسموک سکرین جسے کہتے ہیں۔ اچھا، وہ بندوق سے نکلی گولی واپس نہیں آ سکتی، اور میری جو پروگرام کا وقت ہے وہ بھی زیادہ نہیں بڑھ سکتا، مجھے کہہ رہے بریک لے لیں۔ گولی واپس نہیں آئے گی، نکل چکی ہے وہ، اب انہوں نے خود ہی کہا عدالتیں کچھ کر دیں گی تو پھر ہم کیا کریں گے۔ چلیں، اس کو بین السطور پڑھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ بریک کا وقت ہے، ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی، بڑا تاریخی دورہ ہے۔ پچھلے موضوع کے حوالے سے کچھ ہے؟ دیکھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ ڈیل ہو رہی تھی اس وقت رفیق الحریری زندہ تھے، جو کئی مرتبہ لبنان کے صدر، لبنان کے وزیر اعظم منتخب، اور اس کے بعد 2005 میں وہ ایک دھماکے میں بم دھماکے میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سعد الحریری صاحب آئے، تو سعد الحریری صاحب اپنے والد کے ساتھ تھے،
लेकिन कहते हैं कि उनका बुनियादी रोल उनके वालिद का था। लेकिन एक अगर जब 2007 में नवाज शरीफ साहब ने वापसी की कोशिश की, उस वक्त शहजादा मेकरन बिन अब्दुल अजीज़ के साथ हरेरी भी आए थे यहाँ पाकिस्तान में, ये साद अल हरेरी, साद हरेरी। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें मुआहिदा भी दिखाया और उसमें एक कागज़ भी लहराया था बिल्कुल, कि ये मुआहिदा नवाज शरीफ साहब 10 साल के लिए बाहर रहने का अहद कर चुके हैं, इसलिए वापस जाएं और पाकिस्तान ना आए। बिल्कुल ठीक है। और ये भी खबर आई थी कि उस वक्त चीफ जस्टिस जो है उनसे ये मिलना भी चाहते थे दोनों, मेकरन बिन अब्दुल अजीज और ये साद अल हरेरी, लेकिन फिर उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। बहरहाल वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। मगर जब बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो वापस आ गई, वो चाहते थे परवेज़ मुशर्रफ़ का ये 2007 के इलेक्शन के बाद वापस आए, लेकिन वो पहले आ गई, वो पहले वापस आ गई, एक लिहाज से उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। तो फिर किंग अब्दुल अजीज़ ने किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने इजाज़त दे दी नवाज शरीफ साहब को यहाँ आने की, कि वो भी वक्त से पहले जा, अगर बेनज़ीर भुट्टो आएंगी तो आप भी जा सकते, तो फिर ये भी जाएंगे नवाज शरीफ भी। और परवेज मुशर्रफ की बात उन्होंने नहीं मानी, ठीक हो गया। तो अब बात ये है कि ये सियासत, कई रेफरेंसेस हैं, कई सियासत में ये हीले तो होते हैं ना, तो चाले चलते हैं आप, जब चाले आपको धक्का दिया जाएगा तो फिर आप चाल भी चलेंगे। चले, अब ये है कि बड़ा तारीखी दौरा है सऊदी वलीहद मोहम्मद बिन सलमान साहब का, 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, एक बड़ा वफ 1200 अफराद और मुश्तमिल उनके साथ आ रहा है, निजी होटल्स हैं वहाँ पर बुकिंग हो गई है, उनके अपने कुछ 150 शाही गार्ड्स आ चुके हैं जिन्होंने इंतजाम संभाल ली है। ये तवक्कु की जा रही है कि वली अहद जो है वज़ीर आज़म हाउस में क़याम करें, 5 ट्रकों में उनका सामान, हाँ बड़ी डिटेल्स आए सामने, उसमें फर्नीचर भी उनका है, जिम भी है, उनके वर्जिश का सामान भी है। इत्तला ये आई है कि वो वज़ीर आज़म हाउस ठहरेंगे और उनको डेकोरेट किया जा रहा है, मगर आप ये भी देख लीजिए कि वज़ीर आज़म हाउस की ज़रूरत कितनी होती है। अब पढ़िए ना, अब जो लोग कहते हैं यानी ये जो जज्बाती, इसमें जनाब यूनिवर्सिटी बना दी, इसमें ये कर दो, ये वेस्टेज नहीं है, यानी गोया अभी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, फिर मुल्क जो अगर है वहां क्याम करेंगे, मुल्क की जरूरत है। चले अच्छा, अब वो वज़ीर आज़म हाउस में, अब वो यानी जब सऊदी बादशाह या क्राउन प्रिंस चलते हैं तो सादा सामान उनका अपना होता है, बिल्कुल 5 जेट तैयारे जो हैं उनमें वो आएंगे, और फिर अभी तो बिजनेसमैन, मैं कहा 500 के करीब बिजनेसमैन, 1200 टोटल अफराद हैं, वो तो उनके देखे ना, वो होगा ना हमला, तो मीडिया के लोग, बिजनेसमैन, फिर पर्सनल स्टाफ, फिर हर आदमी जो होगा साथ उसका पर्सनल स्टाफ, तो उन्होंने पाकिस्तान आना है, फिर उसके बाद मलेशिया जाएंगे जी, इंडोनेशिया जाएंगे, इंडिया जाएंगे और चाइना जाएंगे, यानी इस एरिए में निकले हुए। अच्छा, 20 अरब डॉलर के मुआहदे की तवक्को है और पाकिस्तान की बड़ी एक्सपेक्टेशन है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत रिलीफ मिलेगा। पहले देखिए ना, हर वक्त इसी तरह से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि हमारे लिए क्या लेके आएंगे, हम आपके पास जाएंगे तो क्या देंगे हमें, और हम आप हमारे पास आएंगे तो क्या लेके आएंगे, इससे कुछ अपनी डिग्निटी भी बरकरार रखनी चाहिए। पाकिस्तान के एक जमाना वो भी था कि लोग पाकिस्तान की तरफ देखते थे, और मुझे अल्लाह करे वो वक्त वापस आए। मुझे बचपन जो था अपना याद आता है, लड़कपन, सऊदी अरब से मुअल्लम आते थे, वो किसी ना किसी की दस्तावेज हाथ में लेते, तस्दीक कि इनको आप अतियात दीजिए, ये वहाँ बड़ा खिदमत कर रहे हैं हाजियों की, ये भी दौर गुजरा है। और हमारे जो नवाब बहावलपुर हैं वो जब गए वहाँ किंग अब्दुल अजीज से मिले, और उन्होंने उनकी वो रोल्स रॉयस उनकी थी, सामान उनका जो था जहाज में साथ लेके चलते थे, जो बहरी जहाज में सफर होता था, तो जब किंग अब्दुल अजीज ने बड़ी हैरत से उस रोल्स रॉयस की तरफ देखा और पूछा ये कहाँ से मिलती है, सही क्या चीज़ है ये, उन्होंने कहा उनकी आंखों में जो एक ख्वाहिश देखी, उन्होंने वो रोल्स रॉयस उसी वक्त नजर कर दी, आपको बोल फरमाए, क्या आपको बोल फरमाए। तो ये जमाना भी गुजरा है, अल्लाह करे ऐसा वक्त पाकिस्तान पर दोबारा आए। देखिए, इसलिए बात यह कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात पहले दिन से या पाकिस्तान के क़याम से आज तक हैं, और अब वो ताल्लुकात पाकिस्तान में यानी वहाँ मेरे ख्याल 5 अरब डॉलर से लगभग, तो मेरे ख्याल जो वहाँ पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो भेजते हैं सालाना रेमिटेंसेस, और लाखों अफराद वहाँ रहते हैं, फिर हर मुश्किल में सऊदी अरब पाकिस्तान के काम आया इक़्तिसादी तौर पर, और दफाई तौर पर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ शाना बशाना रहा है। अब पाकिस्तान के फौजी जो हैं, बेखल कोई फौजी दस्ते आज भी वहाँ मौजूद हैं जो ट्रेनिंग का
काम करते हैं, उनकी तरबियत देते हैं फौजियों सऊदी फौज, और यहाँ भी कोई 1000 के कम है, एक हज़ार से ज़्यादा अफराद है वहाँ, और यहाँ जो है सऊदी जो कैडेट्स हैं वो हमारे बीएमए का अदारे ट्रेनिंग पाते हैं, फिर स्टाफ कॉलेज क्वेटा में भी अभी जी तरबियत हासिल कर रहे हैं। हाँ जी ऐसा ही है, हमारा बड़ा गहरा और करीबी ताल्लुक है। जब एटमी धमाका किया हमारी इकोनॉमी बहुत मुश्किल में थी, तब तो सऊदी अरब ने तेल फराहम किया और ये भी शर्त लगा दी कि आप इसको कहीं बाहर बयान नहीं करेंगे किसी को, लेकिन वो हमने फिर उसको हमारे यहाँ से वो चीज़ बाहर निकली और ताकि आईएमएफ को खबर ना होने पाए। और अब सऊदी अरब फिर पाकिस्तान की मदद को आया है, तो पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान में और सऊदी अरब में इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि जो इस यानी आप किसी दूसरे मुल्क की नज़ीर नहीं दे सकते। चाइना के पाकिस्तान के ताल्लुकात ये इनमें रूहानी भी हैं और तारीखी भी हैं, सकाफती भी हैं, मजहबी भी हैं, हरमैन शरीफैन वहाँ वाक़ हैं। तो इसलिए सऊदी अरब जो है अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिफाइनरी जो है लगाने का ख्याल है डॉलर के लगभग, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरे मंसूबों में भी। और सऊदी अरब का जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो $1 ट्रिलियन के करीब है, $1 ट्रिलियन का फंड है। और सऊदी अरब जो है अब अपने यहाँ भी एक बड़ा शहर बसा रहा है, एक तफरीही शहर होगा बिल्कुल, उसको मोहम्मद बिन सलमान साहब उसको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए काफी वहाँ पे, ये सऊदी सोसाइटी भी खोल रहे हैं। तो ये इस वक्त कोई तकरीबन इंडिया जाएंगे वहाँ भी यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उनके एग्रीमेंट होंगे। लेकिन और सऊदी अरब सर ब्रेक मेरी आगे, लेकिन मुझे पहले खबर साहब से बात करनी है कि $22 अरब तकरीबन की सऊदी अरब एक्सपोर्ट करता है इंडिया को तेल, और कुछ $4-5 अरब वहां से इंपोर्ट होती है सऊदी अरब में, ठीक है। और सऊदी अरब एक बड़ी रिफाइनरी वहां लगाना चाह रहा था $40 अरब की इन्वेस्टमेंट से, ठीक, मगरबी साहिल पर, लेकिन वहाँ मसला ये पड़ा हुआ है कि आम के बागात हैं वहाँ उस इलाके में, और जो आमों के बागात के मालिक हैं और वहाँ काश्तकार वो विलिंग नहीं है, वो शोर मचा रहे हैं कि हमारे बागात जो हैं इनको आप मिसमार उनको तहतेक नहीं कर सकते, इसलिए वो मनसूबा खटाई में पड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल इंडिया में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब करेगा, और ये अब वो चाहती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ अपने अपने ताल्लुकात हों, दो तरफा ताल्लुकात, ठीक। अच्छा अब चूंकि उनके दौरे से पहले जो इस्लामी इत्तेहादी फौज के सरबराह राहील शरीफ साहब वो तशरीफ लाए हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है, स्पीकर से, वज़ीर खारजा से, आर्मी चीफ से, तो खबर घुमन साहब से हम पूछ लेते हैं। बड़ा एजाज है ना पाकिस्तान का जी, ये भी पाकिस्तान के साबिक कमांडर इन चीफ जी, ये जो फौज पहली दफा बनी है 41 मुसलमान मुल्क शामिल है उसको वो लीड कर रहे हैं बिल्कुल। हमारे वो जो चीफ जस्टिस साहब थे साकिब नसार, उनको इसकी और आप कैसे मुझसे इजाजत से पूछा कि नहीं पूछा, नहीं वक्त तो कम रहे, वक्त तो कम ही रहेगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की कोई टोटप्पा अपने करने की, लेकिन वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, यानी खारजा पॉलिसी में तो चलने देना जी, ताल्लुक नहीं था कोई उनका हजरत का, उसमें भी दखलदार मामला। अस्सलाम वालेकुम घुमन साहब। अच्छा सर ये फरमाएं कि राहील शरीफ साहब आया, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर खारजा से, फिर चेयरमैन सेनेट से मुलाकात हुई, दो रोज पहले सऊदी वली अहद की तशरीफ आमद से पहले, तो क्या पैगाम लेके आए हैं जनाब राहील शरीफ साहब? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने इस इशू को टेकअप किया। देखें मईशत के हवाले से तो यकीनी तौर पर हमें बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया की मदद की ज़रूरत है और वो मदद हमारी हो भी रही है, लेकिन ये जो किरदार हम वहाँ पे कर रहे हैं, ये जो अलायंस है जिसका नाम है इंटरनेशनल मिलिट्री इस्लामिक जो काउंटर टेररिज्म ये कॉलेशन है, इस हवाले से वो वहाँ पे हमारा बड़ा क्लीदी किरदार है। अगर ये कहें कि हम ड्राइविंग फोर्स के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अब देखें आने वाले जो हफ्तों और महीनों के अंदर जो हमारे खत्ते के अंदर दिफाई और सियासी सूरत-ए-हाल डेवलप होने जा रही है, उसमें इस जो ये जो अलायंस है उसका बड़ा क्लीदी किरदार होगा। अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल चल रही है, अफगानिस्तान भी इस कोलिशन का हिस्सा है। इसी तरह जो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है
वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है मगरब का और बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनका एक नुक्ता नज़र है जो इस्लामिक वर्ल्ड के हवाले से कि इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से हम उस तरह से काम नहीं कर रहे जितना जिस तरह करना चाहिए। लिहाजा ये जो काउंटर टेररिज्म अलायंस है ये बेसिकली इसका मकसद ही ये है कि इस्लामिक दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं ठीक है डिफरेंट सतह के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है अभी जो आए हैं ये पैन इस्लामिक फोर्स चले अभी जो आए हैं राहील शरीफ साहब दो रोज़ा उनके दौरे से पहले तो वो क़यादत से मिल रहे हैं तो मेरा सवाल ये था कि वो पैगाम क्या लेके आए हैं क्या बातचीत उनकी हुई है कौमी क़यादत से भाई लेके क्या आना है अभी तो वो आ रहे देखें चूंकि जिस तरह वो एक मिनट शामी साहब देखिए अभी तो शहजादा साहब तो खुद आ रहे हैं उससे पहले वो इनको ब्रीफ करेंगे कुछ इनकी बात वही मैं सुनना चाह रहा हूं उनको वो यहाँ से पैगाम क्या लाना है पैगाम तो लाना है उस दौरे की तैयारी के सिलसिले में मुआवनत करेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ डिस्कस हो सकती हैं और होनी चाहिए वही मैं जानना चाह रहा हूँ उनसे कि वो क्या वो बेचारे कौन सा डेलीगेशन का हिस्सा है वो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ ना गुमन साहब चूंकि इस्लामाबाद में ये इलामी उन्होंने देख रखे हैं मुलाकातों के फरमाए सर देखें वो जब भी शामी साहब ने जिस तरह कहा ना कि अब हम सब कुछ मांग ही रहे हैं सऊदी अरेबिया से तो इस कोलिशन के जरिए हम सऊदी अरेबिया को बहुत कुछ दे रहे हैं उसकी वजह ये है कि ये जो दहशतगर्दी के हवाले से हमने पिछले 15-20 साल में जो एक स्किल डेवलपमेंट हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर हुई है वो वहाँ पे इस वक्त हमारे 1680 के करीब फौजी अफसरान और बाकी जो नौजवान मौजूद हैं वो ट्रेनर्स हैं इतनी ही तादाद के अंदर और लोगों ने जाना है उस हवाले से भी कागजी कार्रवाई हो रही है बेसिकली जो ग्राउंड वर्क है जनरल राहील शरीफ यहाँ पे एज ए एडवांस पार्टी आए हुए हैं तो इस कोलिशन के हवाले से जो हमारा किरदार होगा इस खित्ते के अंदर चूंकि ईरान अभी तक इस कोलिशन का हिस्सा नहीं है ईरानियन गवर्नमेंट और इराकीज़ को कुछ रिजर्वेशंस हैं उनको किस तरह हमने इंगेज करना है एज ए ऑब्जर्वर साथ रखना है इसी तरह चाइनीज़ और रशियंस का भी सर्टन लेवल के ऊपर रोल होना है चूँकि हम देख रहे हैं कि ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड अलायंस फॉर्मेशन हो रही है लिहाजा हमारा जो रोल आने वाले दिनों के अंदर बहुत बढ़ेगा इसीलिए जो राहील शरीफ साहब उनकी सिविलियन जो लीडरशिप से भी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ हुई है इसी तरह आर्मी चीफ साहब के साथ हुई है तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहमियत का हामिल होगा सिक्योरिटी के हवाले से ना सिर्फ हमारे मुल्क के बल्कि इस खित्ते के लिए भी चलें बहुत शुक्रिया खावर गुमर साहब सर ब्रेक एक मैं ले लेता हूँ ब्रेक के बाद वापस आते हैं वेलकम बैक नाज़रीन जाहिद नामी एक मुलज़िम है जिसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद में इसके आजिर ने इस पर 15 मुर्गियां चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया और ये एक साल से अडाला जेल में पड़ा है इसका केस अब आन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में तो मुर्गी चोर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौजू है और फैसल अब पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया उनसे जानते हैं कि मुर्गी चोर की किस्मत का आज फैसला हुआ या नहीं हुआ कबूतर चोर तो पाकपटन में वो तो आवाम ने खुद फैसला कर दिया है उनको नीम बराहना करके वो तो बड़ी अफसोसनाक सूरत है वो मैं आपको दिखाता हूँ एंड पे ये आप देख लें अभी ये देख लें ये इस अब क्या विजुअल ये दिखाने और सुनाने हैं सर आपको ये तो खुद ही हम इंसाफ कर रहे हैं गली मोहल्लों में ये पता नहीं कहाँ तक हम आन पहुँचे हैं अखलाकी तौर पर तो बहरहाल वापस आते हैं जी मुर्गी चोर की तरफ आएँ जरा फैसल साहब ये बताएं इस मुर्गी चोर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जेरे समात है कैसे कैसे और बना क्या अच्छा जो इस मुकदमे की तफसीलात हैं जो आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी अदालत को बताया इस बंदे का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और वहाँ पर इसके खिलाफ 4 एफआईआर एक ही रोज़ में दर्ज की गई चारों एफआईआर जो थीं वो चोरी के मुतालिक थीं उसके बाद ये बंदा इस्लामाबाद में आता है और कोराल में और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जी वही बता रहे हैं वही डिटेल बता रहे हैं जी जारी रखें जी इसके बाद ये बंदा इस्लामाबाद में आता है और इस्लामाबाद के थाना कोराल में इसके खिलाफ 2 एफआईआरें 17 अप्रैल 2018 को दर्ज एफआईआर जो हैं दर्ज होते 3 एफआईआर के अंदर इस को जमानत मिल चुकी है जबकि 4th एफआईआर के अंदर जमानत जो थी वो ट्रायल कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी और हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी और अब ये अपील में आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। अच्छा ये सिंपल एक मुर्गियों की चोरी का मुकदमा नहीं है जैसा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने आज अदालत को बताया कि इसके कब्जे से काफ़ी दूसरी चीज़ें भी बरामद हुई हैं LCD TVs बरामद हुए हैं वाटर डिस्पेंसर थे कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थीं और पुलिस के मुताबिक इसके पास से जो चोरी के आलात हैं वो भी बरामद हुए हैं
جو آج بینچ نے ریمارکس دیے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ جو گلگت بلتستان میں ایک ہی روز میں چار ایف آئی آرز کیسے درج ہوئیں، اور پھر یہ جو اسلام آباد کا واقعہ ہے یہ فیبری 2018 کا ہے جبکہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ اپریل میں درج کی جا رہی ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں کچھ ایسے کیسز ہم نے نوٹ کیے ہیں کہ جہاں پر ایک دو دن کی تاخیر سے جب مقدمات درج ہوتے ہیں تو اس میں شک کا فائدہ دے کر ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آج اسی طرح کے سے بہت شکریہ فیصل کمال پاشا صاحب، بہت شکریہ سر۔ ڈیٹیلز تو جو بھی ہیں لیکن یہ مقدمہ تو مرغی چوری کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ نہیں لیکن سوال یہ ہے نا کہ یہ مقدمے جو ہیں بلا سوچے سمجھے قائم کیے جاتے ہیں اور کوئی ان کو پڑھ دیکھتا نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، اسی نہ پولیس نہ عدالت پر چیف جسٹس بار بار اظہار برہمی کر رہے ہیں اور جھوٹے گواہوں پر آج تک کسی نے سزا نہیں کہہ رہے ہیں دیں گے، اب پتہ نہیں کیا دیں گے۔ پروگرام وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔